पवन गजा रोड पर पुलिया के नीचे हत्या करने वाले आरोपी पर लव जिहाद की धाराएं बढ़ाए जाने सहित यादव समाज की बेटी की हत्या में शामिल लोगों की विवेचना कर पुलिस कार्रवाई को लेकर ब्राह्मण समाजजनों द्वारा बड़वानी थाने पर टीआई को ज्ञापन दिया गया। नगर में दो हत्या की घटना के बाद कई समाज आगे आकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को सजग करने कोतवाली आ रहे हैं। वहीं श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज द्वारा कोतवाली थाने पर टीआई सोनू सितोले को ज्ञापन सौंप शहर में हुई पहली हत्या के आरोपी वाहिद पर धारा 302 एवं 201 के साथ लव जिहाद की धारा बढ़ाने के सहित यादव समाज की बेटी की हत्या उसके हाथ पैर बांध कर की गई थी। इस हत्या में एक से ज्यादा आरोपी होने की संभावना जताई गई जिसके लिए पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी है लेकिन पुलिस से अब सघन विवेचना की मांग की गई है। मैं नवनीत रावल पंचायत राज प्रकोष्ठ कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री हूँ लेकिन हम सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आए हैं। नगर में जो दो लड़कियों की जो हत्या हुई है उसके संबंध में हमारे समाज ने ज्ञापन दिया है। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद कि उन्होंने तत्परता से नंदनी यादव वाले मामले में वहां पर घटना स्थल पर आकर पूरी तफ्तीश की और पुलिस ने भी तफ्तीश की। पर चूंकि इस तरह के घटनाक्रम हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मांग करते हैं कि ये घटनाक्रम जो हुआ है ये किस तरह से हुआ, किन लोगों ने इसको अंजाम दिया, कौन है ये लोग और किस तरह के अपराधों से जुड़े हुए हैं, इनकी पूरी तफ्तीश हो और इन पर कड़ी से कड़ी धाराओं के साथ कार्रवाई की जाए, यही हमारा निवेदन है और यही हमारी मांग है। सचिन पुरोहित भाजपा जिला उपाध्यक्ष और वैसे अभी ब्राह्मण समाज की तरफ से यहाँ थाने पे ज्ञापन देने आए थे। ये जो राठौर समाज की बेटी की जो जघन्य हत्या हुई है उसके संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है इस मामले में जिनका आरोपी वाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी क्या मांग? देखो इसमें आज एसपी साहब की पीसी भी हुई है और सभी समाजों की तरफ से ज्ञापन भी गया, सब कुछ हुआ है, पर इसमें कुछ बातों को लेकर पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में है। इसमें एक तो जो मजदूरी वाला मामला बताया गया है कि मजदूरी को इनने उसमें मेंशन किया है, हमारा उसमें ये कहना है कि उस महिला की 11 लाख रुपए की एफडी थी, वो मैच्योर होने वाली थी, है ना, और उस संबंध में इन्होंने कोई उसकी कोई जानकारी नहीं दी कि क्या हुआ, कोई मात्र इनने मजदूरी वाला विषय बताया। मजदूरी के लिए कोई हत्या नहीं करेगा, मामला कुछ बड़ा था, बड़े पैसे का मामला था। दूसरा सीधा सीधा सा जब दिख रहा है हमको कि लव जिहाद वाला मामला सामने आ रहा है, लव जिहाद के ऊपर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी कोई धाराएं नहीं लगाई और इसमें एक अपराधी नहीं, हमको इसका पूरा संदेह है कि इसमें और अन्य लोग भी इस प्रकरण में लिप्त होंगे, इस हत्या में लिप्त होंगे, उसकी अभी तक कोई जानकारी या उसका इनने अभी तक कोई वो नहीं दिया है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।